छोड़ दिया मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है अम्मा, सब सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा, क्या ठीक हो जाएगा? तुम सोने की भी बन जाना, दुनिया तुझे कहेगी यही घर से भागी हुई लड़की। लेकिन किससे बात कर रही हो? जहर है जो आपकी बहन और मेरा शोहर हमें देना चाहते। जहर? तुम्हें कैसे पता कि जहर? अम्मा क्या हो गया आपको? उनके जहर आलूदा रवैये देखकर भी आपको यकीन नहीं आ रहा? पहले सारा सारा दिन आपको नींद की गोलियां देकर सुलाए रखना, और अब हम दोनों की जान के दुश्मन बन गए। क्यों कर लोगे तुम अपने काम? बीवी हूं मैं तुम्हारी, इतनी आसानी से तो तुम्हें बीवी के लाने का हक नहीं दूंगा। हाथ मत लगाओ मुझे, जब तक तुम मुझे सच सच नहीं बताओगे कि क्या हुआ था उस दिन। कोई भी इंसान इतना काबिल कैसे हो सकता है? क्या कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो अपनी जिंदगी में कभी हारे ना हो, जो हमेशा सिर्फ जीतता आया हो? मैं तो बस उसे देखती ही रह गई। उसे पसंद नहीं आया, उसने तरीके से ना कर दी। It's very simple. ये कैसी ख्वाबों में रहने वाली लड़कियों जैसी बातें कर रही हूँ? अम्मा, आजकल अरेंज मैरिजेस का रवाज नहीं रहा। लड़का लड़की को एक दूसरे के लिए क्लिक होना होता है। ये इल्यूजन क्रिएट की हुई है तुमने दिमाग में। ऐसा क्या दिख गया तुमको दो मुलाकातों में? हाँ अभी वो बेस्ट हैं। मैं हमेशा से जैसा सोचती आई थी ना कि मेरे लाइफ पार्टनर को ऐसा होना चाहिए, उनमें वो सब खूबियां हैं। हरी उठो, देखो मैं हूं सुल्तान। तो फिर ठीक है, तुम चलो हमारा साथ, फिर हम देखते हैं तुम्हारा दोस्त तुम्हारा वास्ते आता है कि नहीं, या फिर सिर्फ तुम्हारा अकल में वफा का भूत सवार है। क्या बोलता है खान? तुम क्या चाहता है? बादल, बादल चाहता है। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारा भाई गुलाब खान की मौत को सुन के। कौन बोल रहा है? मैं बादल खान। बादल खान हमारा बात सुनो तुम। सरकार उसी का होता है जो कुर्सी पे होता है, और तुम कुर्सी पर है। लेकिन हमें भी तो ऊपर जवाब देना होता है। बहू कौन है? ऊपर जवाब देने का वास्ते मरना जरूरी है। गुलाब खान से हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा है, हमको लगता है खैर नहीं है। हुआ क्या है ये तो बताओ। तुम जहां भी है अपना हिफाजत करो। गुलाब खान का फोन पे हमारा बादल से बात हुआ है। क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या? लाला, लाला छोड़ दो हमको, हम मार देगा इसको। पागल हो गए तुम क्या? हाँ, पागल हो गया है। और वो आदमी जिसने बादल को देखा भी है, हम मार देगा उसको। चलो आपका
अगर फाइज को किसी किस्म की कोई गलतफहमी हुई है तो हमें उससे बात करके इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खामोश बैठे रहेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि इसमें हमारा ही कसूर। पहाड़ की बुलंदी से जमीन के नीचे आ गिरा हुआ है, मुझे पाँव फिसलने का ताना देंगे तो फिर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। समझ में नहीं आती भाई, हमारा क्या कसूर था? हमने किया है, हमने मोटरसाइकिल को धक्का दिया था, क्या किया हमने? हमारी जिम्मेदारी है ये हादसा। फाइज के गैर मौजूदगी में हरीम आई थी और अपना सारा सामान ले गई है। खुद तो मर सकती हूँ लेकिन एक मासूम का कत्ल नहीं कर सकती। और इसी जवाब ने मुझे जीने पर मजबूर। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। उसने उरूज को घर से निकाल दिया और आप है क्या? आपकी खुशफहमी खत्म ही नहीं हो रही है, हद है। नसीमा बेगम, थानों में शरीफ लड़कियां जाएं, कोर्ट के चक्कर लगे, बहुत तकलीफ दे है ये। मैं कोई लज्जत नहीं लेना चाहता, जिल्लत देना चाहता हूं, तकलीफ देना चाहता हूं। अरूज भाभी का कोई कसूर नहीं, उसी का कसूर। वो मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी उसने। मुझे लगता है कि मेहरीन और अरूज ने ना सलमान पे कुछ करवा दिया है। हद करती हो तुम शायस्ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिखवा लें आप मुझसे, ऐसा ही कुछ होगा। मैं अपना घर बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ अपनी बेटी की खातिर इतनी देर से आए हो, इसलिए पूछ रही हूँ बस। तो स्कूल जाता हूँ, बच्चा थोड़ी हूँ जो टाइम पर जाऊँ टाइम पर घर आ जाऊँ। बिजनेसमैन हूँ, लोग मुझे सलमान के नाम से जानते हैं, आपके बेटे के नाम से कोई नहीं जानता। तेरे हवाले दिल कर दिया है मेरी आशिकी को तो।